गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी मैंने ऑलरेडी दो तीन विंटर हॉल वीडियो अपलोड कर दिया है। इफ़ यू गाइज हैव मिस देम, गो चेक देम आउट। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल, मतलब 400-500 में मैंने इतनी अच्छे अच्छे स्वेटर्स दिखाए हैं ना, यू गाइज डोंट बिलीव। मीशो से है दोनों, एंड दो टू वीडियोज आर रियली वेरी नाइस। सो यस, गो चेक देम आउट। नाउ टुडे वी हैव वेरी नाइस आजियो हॉल, क्योंकि आजियो हॉल सबको बहुत पसंद आता है। सो यस, आई हैव दिस आजियो हॉल। बहुत प्रिटी, बहुत क्यूट स्वेटर्स हैं मेरे पास और आई एम श्योर यू गाइज विल लव इट। तो इफ यू गाइज आर न्यू टू माई चैनल, आई मेक वीडियोज रिगार्डिंग फैशन हॉल, स्किन केयर, हेयर केयर। तो अगर आपको ऐसी वीडियोज देखना पसंद है, डू कंसिडर वॉचिंग माई चैनल। आई एम श्योर यू गाइज विल लव इट। पुरानी वीडियोस देखना अच्छी लगे, सो डू अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो यस, ये था एक छोटा सा इंट्रो। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में जो पहला स्वेटर है वो है ये जो मैंने पहना हुआ है। दिस इज सो नाइस। जो भी मुझे कपड़ा सबसे अच्छा लगता है वो वीडियो में पहन लेती हूँ। तो ये है वो स्वेटर जो मुझे आज के हॉल में सबसे ही ज्यादा अच्छा लगा। वैसे तो सारे बहुत अच्छे हैं, बट यस, एक पर्सनल फेवरेट वाली बात आती है तो वो है ये। बहुत क्यूट, एक तो उसका मटेरियल इतना ज्यादा सॉफ्ट है ना, मैंने पहना हुआ है, मेरी स्किन में टच हो रहा है। दिस इज सो सॉफ्ट, सो नाइस। एंड जिसका प्रिंट है, कलर है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत गर्लिश वाइब दे रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा कलर। एंड कलर में जो कंट्रास्ट फ्लावर है, स्काई ब्लू एंड व्हाइट का कलर, ये वाला फ्लोरल स्काई ब्लू एंड व्हाइट तो बिल्कुल गर्ली क्यूट गर्ल वाइब देता है। सो यस, दिस इज इट। इसको और ज्यादा क्यूट बनाने के लिए मैंने इसको एक बहुत ही प्यारी स्कर्ट के साथ पहना था, जो मेरी बहुत पुरानी स्कर्ट है। काफी वीडियोस में मैं पेयर करती हूँ इस स्कर्ट को, तो इसका अभी कोई लिंक नहीं मिल पाएगा, बट ये अर्बैनिक वगैरह में बहुत कॉमनली मिल जाती है डेनिम स्कर्ट्स। सो यस, दिस इज द फर्स्ट स्वेटर विच इज अमेजिंग। आई हाईली रिकमेंड। स्टफ इसका बहुत अच्छा है, पहनने में बहुत क्यूट लग रहा है। आज के हॉल में मैंने ज्यादा जो स्वेटर्स हैं वो स्कर्ट के साथ ही पेयर करी हैं, क्योंकि जीन्स के साथ तो देखो स्वेटर्स आप पहन ही लोगे, अच्छी मतलब नॉर्मली लगेगा, अच्छा ही लगेगा। बट मैंने स्कर्ट के साथ इसलिए पहना है ताकि मैं दिखा सकूं आप लोगों को कि ऐसे ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा। अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है या ऐसे जाना है जहां पे आपको वन पीस टाइप पहनना है, तो आप स्वेटर्स के साथ स्कर्ट पेयर कर सकते हो, तो ऑकवर्ड तो नहीं लगेगा। वो दिखाने के लिए मैंने आज ज्यादातर चीजें स्कर्ट के साथ पहना है। सो यस, बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लग रहा था। वो ऑकवर्डनेस हटाने के लिए आपको इस बॉटम में मैंने स्टॉकिंग्स पेयर कर रहे हैं। आप लेगिंग्स भी पेयर कर सकते हो, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है क्रीमिश कलर की स्टॉकिंग्स, लेगिंग्स फर वाली अंदर से। तो मेरे पास वो नहीं थी, तो मैंने पहले क्रीम कलर के स्टॉकिंग्स पहने, उसके ऊपर से मैंने ब्लैक स्टॉकिंग्स पहने, तो बहुत प्यारा लुक दे रहा था, बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लग रहा था, एंड इट वॉज लुकिंग अमेजिंग। तो यस, दिस इज माई फर्स्ट वेरी क्यूट स्वेटर जिसका कपड़ा वगैरह बहुत अच्छा है, एंड यू नो बहुत हग करता हुआ स्वेटर है। दिस इज सो नाइस, सो अमेजिंग, सो हाईली रिकमेंडेड। थोड़ा सा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लाइक आई थिंक 1000 के अप्रॉक्स था। आप लिंक पे जाके एक बार प्राइस कंफर्म कर लेना। सो यस, दिस इज द फर्स्ट वेरी ब्यूटिफुल स्वेटर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगेन बहुत बहुत प्यारा, मैं इससे कहूंगी इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन स्वेटर है, बट पहन के इतना सेक्सी लग रहा है, मतलब हाई नेक है इसमें, ये देखो पूरा अच्छे से ओपन हो जाएगा, इतना तो क्यूट लगते हैं मुझे अपर ऊपर तक नेक वाले। सो दिस इज द स्वेटर, प्लेन है, यहाँ पे आपने बांधने को दे रखा है, जिसकी वजह से आप अपने यू नो वेस्ट में बना सकते हो, आप कितना लंबा करना है, कितना छोटा करना है, लाइक क्रॉप बनाना है तो आप इसको ऊपर करके बांध सकते हो, इस तरीके से पहन सकते हो। काफी अच्छा लग रहा है, इसको भी मैंने स्कर्ट के साथ पहना है, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन है, तो ये भी बहुत अच्छा जा रहा था स्कर्ट के साथ, बहुत प्यारा लग रहा था। तो यस, दिस इज द नेक्स्ट वन। अब सेम सी स्कर्ट सबके पास नहीं होंगी, पक्का नहीं होंगी, जैसी मेरे पास है जरूरी नहीं आपके पास भी वैसी हो। तो ये आपको सोच रहे हैं कि किस चीज के साथ कौन सा पेयर कर सकते हो आप। ये जैसे प्लेन है, इसके साथ कोई भी कलर का स्कर्ट, कोई भी डार्क कलर का स्कर्ट चल जाएगा, लाइट भी चल जाएगा। सो यस, दिस इज द नेक्स्ट वन। मटेरियल एंड एवरीथिंग इज वेरी नाइस। द ब्रांड इज अर्बन हग एंड आई एम इन साइज मीडियम। तो इस तरह से मैंने इनको स्कर्ट के साथ इसलिए पहना है कि आप कहीं यू नो फ्रेंड्स के साथ छोटी मोटी पार्टी में जा रहे हो, लंच डेट पे जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा प्यारा सा भी, थोड़ा सा सेक्सी लुक भी देना है, एंड यू नो ठंड में भी नहीं मरना, तो आप इस तरह से स्वेटर्स को स्कर्ट के साथ, शॉकिंग के साथ पेयर कर सकते हो, बहुत सेक्सी लग रहा है, एंड आजकल सब इसे पहनते हैं, तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है। नाउ द नेक्स्ट वी हैव दिस। अच्छा मैं ये दिखाती हूँ पहले, फिर वो दिखाऊंगी।
ओके अगेन अ वेरी क्यूट स्वेटर, मुझे बहुत प्यारा लगा। मतलब ये जैकेट टाइप है, इसमें जिप है आगे से, बहुत ही ज्यादा सही है। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, इसमें यहाँ पे लिखा है हैप्पी एंड द कलर द मटेरियल एवरीथिंग इज वेरी नाइस। द ब्रांड इज रियो एंड आई एम इन साइज स्मॉल। ठीक है, बहुत प्यारा स्वेटर है, आई एम इन लव विद दिस ऑल्सो। सी क्लोज से देखो, बहुत ही प्रिटी है, कलर वगैरह बहुत अच्छा है। लिंक में जब आप जाओगे ना तो बहुत सारे स्वेटर्स में आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। जब आप लिंक ओपन करोगे तो वहां पे आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे। अगर किसी को भी कलर लाइट लग रहा है तो उसमें आप और भी कलर देख सकते हो। सो यस, दिस इज द नेक्स्ट वन। इसमें पॉकेट्स भी है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत क्यूट सा जैकेट है, आई लव दैट। मटेरियल वगैरह भी अच्छा है, रियो ब्रांड बहुत कॉमन ब्रांड है अजियो में। इसके मैं टॉप्स वगैरह भी बहुत ज्यादा दिखाती हूँ। सो या, दिस वॉज द नेक्स्ट वन। अब देखते हैं अगला। ओके, द नेक्स्ट इज दिस। इसका भी यार कलर बहुत ज्यादा प्रिटी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी हाई नेक है, द मटेरियल इज ऑसम, बहुत प्यारा मटेरियल है। अंदर से ना इतना सॉफ्ट है, देखो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत प्रिटी लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। अगेन आई हाईली रिकमेंड दिस ऑल्सो। है प्लेन, मतलब ऐसा कोई फैंसी नहीं है, पार्टी वेयर नहीं है, बट या बहुत ही कूल लग रहा है। प्लेन से कपड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे ग्रीन भी पहन के बहुत अच्छा लग रहा था, वैसे ये भी पहन के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्लासी सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कोई महंगा कपड़ा पहना, मतलब अच्छा कोई किसी अच्छे ब्रांड का पहना है। कुछ कपड़े होते हैं ना प्लेन होते हैं बट बहुत क्लासी से लगते हैं, बिल्कुल वही है ये कपड़ा। इसके लिए मैं इतना ही बोलूंगी, दिस इज सो नाइस। द ब्रांड इज बुड्ढा जीन्स। इसके मैंने पहले भी आपको कुछ तो भी दिखाया है, शायद जीन्स दिखाई है, तो ये इसके अच्छे कपड़े आते हैं। द साइज इज स्मॉल, सो यस दिस इज द नेक्स्ट वन। ओके, अब देखते हैं अगला। अगला है ये स्वेटर। ये स्वेटर है सिंपल सा, प्लेन सा, बहुत अच्छा सा, निटेड, बहुत प्यारा लग रहा है, काफी ज्यादा वार्म भी है। द ब्रांड इज टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट भी अजियो का ही ब्रांड है, तो बहुत ज्यादा कॉमनली वहां पे मिल जाता है। इसकी टॉप्स एंड टी शर्ट्स भी बहुत बार आप लोग को दिखा चुकी हूँ। सो यस, दिस इज द नेक्स्ट वन। कलर बहुत अच्छा है, व्हाइट के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगेन हाई नेक है, जिप वाला। द ब्रांड तो मैंने आपको बता ही दिया, एंड आई एम इन साइज एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल है और मेरे उसमें बिल्कुल परफेक्टली फिट आ रहा है। ठीक है, सो यस दिस इज द नेक्स्ट वेरी नाइस स्वेटर। काफी वार्म एंड काफी अच्छा है, अच्छा स्वेटर है, आई लाइक दिस ऑल्सो। ब्रांड वगैरह भी अच्छा है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। ये ब्रांड है प्रो अर्थ, एंड ये ना एक्चुअली बिल्कुल स्वेटर वाला फील नहीं देगा जब मैंने इसको मंगाया। बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, हल्का है, बहुत ज्यादा हल्का। जैसे आप अभी इस टाइम पे जो सीजन चल रहा है उसमें शायद आप दिन में अगर धूप वगैरह हो रही है तो इसे पहन सकते हो, बहुत ज्यादा ठंड में नहीं पहन पाओगे। अगर आपको अंदर कुछ पहनना पड़ेगा इसके, या फिर जैकेट पहनना पड़ेगा, ठीक है। या अगर आप ये वीडियो बाद में कभी देख रहे हो जैन एंड के टाइम पे, तो या ये फरवरी मार्च उस सीजन में जाएगा। अभी का इसका सीजन चला गया, जैसे आप इसे अक्टूबर में पहन सकते थे, नवंबर स्टार्टिंग में पहन सकते थे, अब थोड़ी ठंड बढ़ गई है तो शायद अब ये आपके इतना ज्यादा अभी काम ना आए। बट हाँ, जब समर जब विंटर्स हल्के हल्के जाने लगेंगे फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हो। दिखने का बहुत अच्छा है, बहुत प्लेन, बहुत बेसिक सा है। कपड़ा इसका बहुत ज्यादा प्यारा है, बहुत प्यारा सा, अच्छा अच्छा क्लासी वाला कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है। सो यस, दिस वॉज द लास्ट वन। आई गॉट कंफ्यूज, 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे हमारे पास टोटल। सो या, दिस वॉज इट फॉर टूडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस हॉल। इफ यस, डू कॉमेंट डाउन एंड डू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज और अपकमिंग वीडियोज भी देखना, बहुत अच्छे अच्छे हॉल्स आने वाले हैं। सो या, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।